हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक पाल आपका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल आईटीआई प्लेसमेंट में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक रोज़गार मेला लेके आया हूँ। आइए देखते हैं उसकी सारी डिटेल क्या है। देखिए, आईटीआई मंडी के युवाओं के लिए निजी कंपनियाँ में नौकरी का सुनहरा मौका। सैकड़ों रोज़गार युवाओं कंपनियाँ नौकरी देंगी। सैकड़ों बेरोजगार युवाओं को कंपनियां जो है नौकरी देंगी। आईटीआई में 20 फरवरी से 31 मार्च तक रोज़गार पखवाड़ा में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां इंटरव्यू लेंगी। तो जो इंटरव्यू लेंगी वो 21 फरवरी से 24 फरवरी तक दो कंपनियों के कैंपस में 150 युवाओं को रोज़गार दिया है। मतलब अभी जो कैंपस हो चुके हैं 21 से 24 तक, उसमें 150 युवाओं को रोज़गार इन कंपनियों ने दे दिया है। अब 27 और 28 को जो ग्लेनमार्क है वो 28 फरवरी को ब्लू स्टार कंपनी आईटीआई पास युवाओं को रोज़गार देंगी। ब्लू स्टार जो कंपनियां हैं, अच्छी कंपनियां रहती हैं, वो आईटीआई पास युवाओं को रोज़गार देंगी। 31 मार्च तक रोज़गार का मेला सिलसिला जारी रहेगा। रोज़गार का जो मेला है वो चलता रहेगा 31 मार्च तक। दोस्तों, जो सबसे बड़ी बेस्ट जो कंपनियाँ हैं अच्छे से अच्छी, वो 28 फरवरी के बाद 31 मार्च तक आएंगी। दोस्तों, आप लोग इसमें ज़रूर जाएं। मेरा तो कहना यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पार्टिसिपेट करें इस कैंपस में, बहुत ही लाभदायक है ये कैंपस। 27, 28 और 29 मार्च को सैकड़ों युवाओं के निजी कंपनियां रोज़गार मेला लगाएंगी। 3 दिन में, 1 दिन में तकनीकी शिक्षा मंत्री विक्रम ठाकुर भी रोज़गार मेले में आएंगे, मतलब शिरकत करेंगे। जानकारी के अनुसार 17 फरवरी मंगलवार को आईटीआई मंडी के ग्लेनमार्क कंपनी वृद्धि स्थित प्लांट में युवाओं को भर्ती करेगी। ये तो हो चुकी है 27 फरवरी को, तो कंपनी फिटर इलेक्ट्रीशियन ये सारी हो चुकी हैं। इन्होंने 100 लोगों को रोज़गार दे दिया है। अप्रेंटिस के आधार पर युवाओं को रोज़गार देंगी। चयनित युवाओं को 7300 रुपये, ये वो बता रहे हैं सारे। एज जो मांगी गई है वो 18 से 26 साल कैंपस में भाग लेने के लिए होगी। रोज़गार पखवाड़े में खुलेंगे रोज़गार के द्वार। कैंपस प्लेसमेंट अधिकारी दिनेश कुमार ने कहा है कि 20 फरवरी से, अब दोस्तों जो है 20 फरवरी से 31 मार्च तक आईटीआई मंडी, एक तरह से इन्होंने नाम रख दिया है आईटीआई मंडी में रोज़गार पखवाड़ा मनाया जाएगा। एक माह के भीतर में कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कंपनियाँ बेरोजगार युवाओं को रोज़गार देंगी। तो सबसे अच्छी बात यह है कि नेशनल और इंटरनेशनल कंपनियाँ दोनों आ रही हैं। आप इस प्लेसमेंट को ना ही चूकें, सीधे से जाएं, अप्लाई करें और इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें। इस दौरान 27, 28, 29 मार्च को तकनीकी शिक्षा मंत्री विक्रम ठाकुर भी शिरकत करेंगे, मतलब वो आएंगे। 27 मार्च को ग्लेनमार्क और 28 को ब्लू स्टार कंपनियां मेले में आएंगी। 28 को जो है, 28 मार्च को ब्लू स्टार कंपनियां मेले में आएंगी। सोच लो, बहुत महंगी कंपनियां हैं, बहुत अच्छी कंपनियां ये सारी आ रही हैं रोज़गार मेले में। वो मेला लाएंगी, रोज़गार मेला ला के लेके आएंगी वो। जल्दी आगामी कैंपस इंटरव्यू की तिथियाँ भी सार्वजनिक की जाएंगी। मतलब अभी इन्होंने थोड़ी सी डिटेल दी है, अगर मतलब और जो थोड़ा सा टाइम रहेगा, अब तक तो निकल गई होंगी, मैं आपको ज़रूर एक वीडियो और बना दूंगा इसी के ऊपर। मुझे जैसे ही इसके इम्पोर्टेंट चीज़ पता चलेगी, कब क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे कुछ, मैं तुरंत बता दूंगा। मगर आप लोग सतर्क रहें और ज़रूर जाएं इस कैंपस को देने के लिए। सबसे बड़ा रोज़गार मिला है ये। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।